गांव नवादा पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिव्यांगों के लिए कृत्रिम उपकरण बनाने वाली कंपनी एलिमको की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में जहां भी जमीन मिलेगी वहीं दिव्यांगों के लिए अलग से अस्पताल बनाया जाएगा। दिखाई दे रहा है नजारा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की ननिहाल के गाँव नवादा का है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के लिए उपकरण बनाने वाली एलिमको कंपनी का शिलान्यास किया। वहां उन्होंने एक तरफ जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लोगों के लिए बनाई हैं जिसमें आम जनता सीधा फायदा उठा सकती है, वहीं पिछले काफी दिनों से भिवानी में दिव्यांगों के धरने पर बैठने को लेकर कहा कि उनकी मांगों को मान लिया गया है और जो भी बाकी मांगे हैं उनको भी जल्द मान लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तीन दिन से सूरजकुंड में चल रहे संगठन मंत्रियों के मंथन के दौरान आज अमित शाह के पहुंचने पर मंथन स्थल से सभी बीजेपी के झंडा उतारने पर कहा कि संगठनों की बैठक में जरूरी नहीं होता है इस तरह के झंडे लगाए जाएं। किसी ने गलती से झंडे लगा दिए थे जिन्हें बाद में उतार लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार बीबीसी की तरह काम करती थी। उन्होंने बीबीसी का मतलब समझाते हुए बताया कि बी फोर भर्ती, बी फोर भ्रष्टाचार और सी फोर सीएलयू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब ना देने पर कहा कि मुझे जनता के सवालों का जवाब देना है, हुड्डा के सवालों का जवाब देना आवश्यक नहीं है, हम जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं जो हमें जनता के लिए करना चाहिए। अधिकारिता मंत्रालय ने जिसके हमारे मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर हैं उनके प्रयत्न से और मंत्रालय ने एक विशेष एक प्रकल्प यहाँ जो शुरू किया है एलिमको कंपनी के माध्यम से, जहाँ दिव्यांगों के लिए कृत्रिम जो उनके उपकरण हैं, चाहे वो चलने में उनको सहायक हों, चाहे हाथ का उपकरण काम करने के लिए चाहिए, उनको आँखों का कोई देखने की अगर दुविधा से कठिनाई है तो उसके लिए चाहिए, या सुनने की कठिनाई को दूर करने के लिए कानों के उपकरण हैं, ये सब प्रकार के उपकरण उनको बनाए जाएंगे इस उद्योग में और इसका शिलान्यास किया है। मैं श्री कृष्णपाल जी को और इनके विभाग को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और एक बात और, आज जो कृष्णपाल जी ने कहा कि हमें हरियाणा में कहीं भी एक इन दिव्यांगों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल सीआरसी क्या उसको बनता है, सीआरसी जो है 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर कहीं भी जहां दिव्यांग बंधु पूरे प्रदेश से वहां पहुंच सकें आसानी से और वहां पर उसका निर्माण किया जाएगा 5 एकड़ ज़मीन। देखिए उनकी बहुत सी समस्याएं जो उन्होंने दी थी उनके ऊपर हमने ध्यान कर लिया, उनका समाधान कर दिया है, बाकी सब चीज़ें जैसा जैसा विचार आएगा उसके बाद करेंगे। मैंने बताया बदली भर्ती सी एल यू सूरजकुंड होके आए हैं अभी सभी झंडे बीजेपी को उतार लिए, अमूमन होता है कि जहाँ सब पहुँचे तो झंडे लगाए जाते हैं, उतार लिए क्या वजह हुई? देखिए विषय वो एक संगठनात्मक विषय होता है और हमारे यहाँ संगठनात्मक विषय पब्लिक कार्यक्रम नहीं होता है, तो पब्लिक कार्यक्रम में तो बहुत प्रकार के इस प्रकार के विषय होते हैं, संगठनात्मक कार्यक्रम में इन विषयों का कोई बहुत दिखावा किया नहीं जाता है। अगर किसी ने गलती से लगाए होंगे तो उनको कहा गया होगा इसको उतार दें, कोई पब्लिक फंक्शन नहीं है वो फंक्शन एक संगठनात्मक फंक्शन है। संगठन के अंदर जो हमारे संगठन मंत्री काम करते हैं पूरे देश भर के, उनका एक 3 दिन का एक अभ्यास वर्ग चल रहा है। देखिए मुझे जनता के सवालों का जवाब देना है, मुझे हुड्डा साहब के सवालों का जवाब देना आवश्यक नहीं है, हम जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं और जो कुछ जनता के लिए कर रहे हैं जनता के प्रति हमारी उत्तरदायित्व है और जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा 5 एकड़ में गाँव नवादा में दिव्यांगों के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी एलिमको का आज मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा में दिव्यांगों के लिए अस्पताल भी बनाया जाएगा। नवादा गांव की गौशाला में गायों की स्थिति पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नवादा की गौशाला के साथ साथ अन्य गांव की गौशाला को भी अनुदान दिया है। मामा का गांव नहीं, अब मामा का गांव तो है ही, मेरा ननिहाल है और यहां पर एक दिव्यांगों के लिए एक कृत्रिम अंग बनाने के लिए उनके लिए यंत्र उपकरण बनाने के लिए यहाँ पर एक नया कारखाना उत्तरी भारत का कानपुर के बाद यहाँ पर लग रहा है, उसका शिलान्यास करने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे आज, उन्होंने शिलान्यास किया और 20 करोड़ इस कारखाने पर लागत आएगी और जल्दी तैयार होगा, तो दिव्यांगों के जीवन में एक मैं समझता हूँ एक नया जोश भरेगा और यहाँ के लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। एक बड़ी घोषणा, अस्पताल बनेगा हरियाणा दिव्यांगों के लिए। देखिए एक हरियाणा में अभी कोई कंपोजिट रीजनल सेंटर जो हर स्टेट में एक होता है नहीं, वो मैंने केंद्र सरकार से मंजूर कराया है
माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि उसको कहाँ बनाना चाहते हैं, तो हरियाणा के किसी सेंटर प्लेस में जहाँ भी वो कहेंगे, सेंटर प्लेस में जहाँ भी वहाँ के मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से बैठ कर तय होगा, और उसके बाद यहाँ पर एक कंपोज रीजनल सेंटर, एक बहुत दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ा जिसमें इलाज का प्रबंध होगा वो बनेगा। आपकी ननिहाल में गौशाला में गाय मर रही हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं? आज ननिहाल के लिए सभी गांवों की पंचायतों के लिए चारे के लिए याद दिला दी है, सब पंचायतों के लिए घोषणा कर गए हैं, 11-11 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए उनके चारे के लिए आज घोषणा कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री की इस जनसभा की खास बात यह रही कि रैली पूरी तरह से पॉलीथिन मुक्त रही। रैली को पॉलीथिन मुक्त बनाने में बल्लभगढ़ के SDM राजेश कुमार ने खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रैली आयोजकों से स्पष्ट तौर पर कहा आदेश दिए थे कि पूरी रैली में कोई भी पॉलीथिन या बोतल का प्रयोग नहीं करेगा। यहाँ पे हरियाणा सरकार ने बैन कर दिया है कि कहीं भी प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के गिलास इस्तेमाल नहीं होंगे, इसलिए पानी के यहाँ पे 100 कैंपर हैं और 100 ही गिलास हैं स्टील के। गिलास प्लास्टिक के सामने भी कई बार हमने देखा, ना यहाँ पानी की बोतल है और ना वो आपके प्लास्टिक वाले गिलास हैं, कांच के गिलास में पानी सर्व किया जाएगा सभी को। तो पूरी तरह से पॉलीथिन मुक्त जी, इस पूरे कार्यक्रम से 1 ग्राम भी पॉलीथिन पैदा नहीं होगा।